यूट्यूब चैनल क्वेश्चन इज ब्लॉग आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब वीडियो शेयर करने वाली हूँ और ये आप लोग देख ही पा रहे हैं मेरा जो मेकअप लुक है बहुत ज़्यादा सोबर एंड सिंपल एक मेकअप लुक है एंड ये मेकअप लुक मैंने स्पेसिफिकली दुर्गा पूजा में डे टाइम फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए बना है अगर आप लोगों को देखना है मैंने ये सिंपल एंड ईजी मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया है So let's begin. तो मैं आज मेरी मेकअप लुक स्टार्ट करने वाली हूँ बाई क्लींजिंग माई फेस ये बहुत ही एक एशेंशियल स्टेप है फेस को प्रिप एंड प्राइम करना तो इसलिए मैं आज यूज कर रही हूँ गार्नियर का माइसेला वाटर और इसके बाद मैं मेरी फेवरेट न्यूट्रीजिना का हाइड्रोबोस्ड वाटर जेल यूज़ कर रही हूँ अब लोग देख ही पा रहे हैं मैं इतना ज़्यादा ये मॉइस्चराइजर को यूज़ करती हूँ कि ऑलमोस्ट ऑल ख़त्म हो गया है बहुत अच्छी तरीके से टैप इन करने के बाद मसाज कर रही हूँ एंड मैं मेरी फ़ेस को एज़ इट इज़ फाइव मिनट्स तक रखूँगी मॉइस्चराइज को मॉइस्चराइज़र को अच्छे तरीके से फेस में सोक करने के लिए इसके बाद मैं रिमल लंडन का लंग लॉन्ग लास्टिंग फेस प्राइमर मेरी फ़ेस का जो पोर एरिया है वहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ और आप लोग देख पा रहे हैं मैं बहुत लाइट हैंडेडली मेरी फेस प्राइमर को अप्लाई कर रही हूँ एंड मैं रब नहीं कर रही हूँ सिर्फ डैबिंग कर रही हूँ इससे मेरा फेस प्राइमिंग बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाता है एक ब्लैक कैनवास इसके बाद मैं मेरी आई के नीचे एलेगल प्रो कंसीलर का ऑरेंज कलर कर ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ इससे मेरा डार्क सर्कल का जो प्रॉब्लम है वो हाइड हो जाता है और इसको मैं यूज़ कर रही हूँ पैक कॉस्मेटिक्स का ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ आप लोग देख पा रहे हैं इससे मेरा जो आई एरिया है वो बहुत अच्छी तरीके से डार्क कलर कैंसिल आउट हो जा रहा है इसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ मेवलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन और ये जो फाउंडेशन है लॉन्ग लास्टिंग होने के साथ साथ फुल कवरेज है और इसको मैं डॉट डॉट करके मैं मेरी फेस में अप्लाई कर रही हूँ मैं जो है ये मेकअप लुक कर रही हूँ डे टाइम फेस सीजन को ध्यान में रखते हुए और इसलिए मैं चाहती हूँ मेरा मेकअप लुक बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो वाटर प्रूफ हो स्वेट प्रूफ हो एज वेल एज़ एक न्यूट फिनिश आए इसमें और उसके साथ साथ गॉर्जस एंड सोबर लुक हो बहुत सारे लुक तो मैंने बता दिया और आप लोग देख पा रहे हैं ये जो फाउंडेशन का कवरेज है बहुत ही अच्छा और फुल कवरेज है और इसके साथ साथ मैं मेरी फेस को बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ इस फाउंडेशन को लेके मैं ब्लेंड करने के लिए पैक का ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ और ये फुल कवरेज फाउंडेशन होने के वजह से मैं कोई भी कंसीलर ऊपर से नहीं यूज़ कर रही हूँ अभी मैं फेरी फ़ेस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर रही हूँ इलीगल का फेस कंसीलर इन द शेड एक्सप्रेशो और इससे मेरी नोज़ एंड लाइन को बहुत अच्छी तरीके से कंटोर कर रही हूँ और इसके बाद मैं एक स्मॉल कंसीलर ब्लेंडिंग ब्रश से मैं बहुत अच्छी तरीके से मेरा जो कंटोर है उसको ब्लेंड कर लूँगी उसको लाइटली ब्लेंड करने के बाद मैं जो है अभी ब्यूटी ब्लेंडर से फर्दर ब्लेंड कर लूँगी इससे मेरा फिनिश जो आएगा बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस होगा तो आप लोग दुर्गा पूजा टाइम में बहुत ज़्यादा एक मॉइस्ट वेदर फेस करते हैं और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही मेरा मेकअप लुक जो है बहुत ही ज़्यादा स्वेट प्रूफ एंड वाटर प्रूफ मैंने बनाया है इसके बाद मैं मेरी फेस को कंसीलर से हाईलाइट करने वाली हूँ हाईलाइटिंग कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा फेस फीचर्स यानी कि अंडर आई एरिया एंड नोज क्यूपिड्स वो एरिया बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड दिखे एंड बहुत ही हल्के हाथों से मैं इस हाईलाइटेड एरिया को ब्लेंड कर रही हूँ मैं हाईलाइट करने के लिए एलिगल प्रो कंसीलर का लाइट बेज कलर यूज़ कर रही हूँ और इसके बाद मैं उस हाईलाइटेड एरिया को सेट करने के लिए फिटमी मी मेबलिन का फिटमी कॉम्पैक्ट पाउडर एक पाउडर ब्रश से बहुत लाइटली डैब इन कर रही हूँ और मैं मेरी कंट्रोल एरिया को और ब्राउन्जप करने के लिए कंटोर ब्रश से बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ और इसके बाद जो है मेरा फेस ऑलमोस्ट ऑल आल डन हो गया है सिर्फ चीक को एक हिंट ऑफ कलर देने के लिए यूज़ कर रही हूँ लैकमी का एब्सल्यूट ब्लश और मैं मेरी फेस को लॉक इन करने के लिए यूज़ कर रही हूँ फेस मिस्ट और ये है लॉरियल प्रो सेटिंग स्प्रे सेटिंग स्प्रे को यूज़ करने का टेक्निक है हमेशा फेस से वन मीटर मिनिमम डिस्टेंस रख के फेस को सेट करना चाहिए इसके बाद मैं मेरी आईब्रो करने वाली हूँ और इसलिए मैं इड्यूट हाउस का आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ आप लोग देख पा रहे हैं मैं आज जूम इन करके मेरा लुक जो है आप लोगों को शेयर कर रही हूँ इससे क्या होता है आप लोग बहुत अच्छे तरीके से मेरा मेकअप लुक जो है आप लोग देख पा रहे हैं ये न्यू चेंज है मेरी मेकअप रूटीन में अगर आप लोगों को अच्छा लगा प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड मैं आज यूज़ कर रही हूँ एक ट्रांजिशन शेड और ये मैं मेरी रेवोल्यूशन पिट्रिशा ब्राइट पैलेट से क्वीन कलर का एक ट्रांजिशन शेड यूज़ कर रही हूँ ब्राउन न्यूट कलर मैट फिनिश का एक कलर स्मॉल फ्लफी ब्लेंडर ब्रश से बहुत हल्के हाथों से ट्रांजिशन क्रिएट करने के लिए यूज़ कर रही हूं। ये जो है ये जो आई पैलेट है ये लैकमी का डेजर्ट रोज कोर्ट्स है ये बहुत ज़्यादा एक बजट फ्रेंडली एंड बहुत ही ज़्यादा एक पिगमेंटेड आई पैलेट है मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड कर जो पिगिनर्स मेकअप लवर्स हैं और इसी पैलेट में जो गोल्डन शिमरी कलर है उसको मैं मेरी आईब्रो एंड इनर कॉर्नर में अप्लाई कर लिया है और आईलिट के ऊपर ब्राउन कॉपरी कलर को मैंने मेरी फिंगर टिप से अप्लाई किया है और मैं मेरी फेस को हाईलाइट करने के लिए सेम आई शेडो पैलेट से गोल्डन कलर लेके मेरी नोज़ एंड चीक बोन एरिया को बहुत ही लाइट हैंडडली मैं हाईलाइट कर रही हूँ और इसके बाद मैं एक ट्रिक आज करने वाली हूँ तो आप लोग देख पा रहे हैं मैं मेबलिन का जो पाउडर है उसको पहले मेरी आईलैश में अप्लाई किया है और उसके बाद मैं मेरी आईलैश को कर्ल कर लिया है और उसके बाद जो है मैं मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा जो है उसको अप्लाई कर रही हूँ ये ट्रिक फॉलो करते मेरा जो आई का लुक है बहुत ही ज़्यादा वॉलीवनाइज लगेगा इसके बाद मैं मेरी लोअर लैश लाइन में काजल अप्लाई करने वाली हूँ एसेंस का एक कॉपरी गोल्डन कलर का आई काजल पेंसिल बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड तो नहीं है लेकिन बजट में बहुत सुंदर एक कलरिंग इफेक्ट देता है इसके बाद मैं मेरी लिप को बहुत अच्छी तरीके से माइसिला uh, वाटर से क्लीन करने के बाद मैं मेरी लिप को न्यूट्रलाइज़ कर रही हूँ और न्यूट्रलाइज़ करने के लिए मैं फाउंडेशन अप्लाई किया है और इसके बाद मैं लॉरियल का लिप कलर जो है ये मेरी वन ऑफ माय फेवरेट न्यूट शेड है इन द शेड काउ बॉय इसको मैं मेरी लिप में अप्लाई कर रही हूँ और इसी के साथ साथ मेरा जो मेकअप लुक है वो कम्प्लीट हो गया है विथ दैट uh, मेरा जो मेकअप लुक है वो डन हो गया है आप लोग देख ही पा रहे हैं मेरा मेकअप लुक बहुत ही ज़्यादा एक फ्लॉलेस बेस है एंड उसके साथ साथ मेरा आई मेकअप लुक बहुत ही ईजी टू अचीव है ये मैंने डे टाइम दुर्गा पूजा को ध्यान में रखते हुए ही बनाया है सामने ही दुर्गा पूजा आने वाला है एंड इसी तरीके का इंडियन फेस्टिवल मेकअप लुक में आप लोगों को बहुत ही जल्दी बहुत सारे मेकअप लुक्स शेयर करने वाली हूँ सो स्टे ट्यून फॉर दैट प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो अपडेट्स एज वेल एज डू फॉलो मी ऑन माई फेसबुक एंड इंस्टाग्राम